जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर राधा शर्मा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फर्स्ट 60 सेकंड्स बिफोर बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू हाई या लो नोट पर कंक्लूड होगा, आर यू सरप्राइज्ड? बट इट इज 100% ट्रू। डोंट यू वरी, टुडे विल रिवील एंड गाइड फॉर एवरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट फॉर एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टू ऑब्टेन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर सिंगल अटेम्प्ट। आज हम जानेंगे 10 वो इंपॉर्टेंट एरियाज जो वेरियस यूपीएससी इंटरव्यूज लाइक सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए और रेवेन्यू सर्विसेज एक्सेट्रा में 100% रिक्वायर्ड है। ये वीडियो आपकी सारे इंटरव्यूज में हेल्प करेगा। हमेशा ध्यान रखें कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू को लाइटली ना लें, इंटरव्यू प्रोसेस को एक्सट्रीमली अटमोस्ट प्रायोरिटी दें और क्वेश्चंस को लेकर सीरियस रहें और सीरियस क्वेश्चंस पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी एंड बैलेंस्ड आंसर दें। आपका इंटरव्यू करने वाला बोर्ड मेंबर्स को रेस्पेक्ट दें। बोर्ड मेंबर में प्रेजेंट मेंबर्स को कभी भी कम ना आके, स्पेशली फिजिकली अपीयरेंस पे तो बिल्कुल भी ना जाएं। वो आपके और मेरे जैसे हजारों लोगों को इंट्रीब्यूट कर चुके हैं और उनके पास सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस और नॉलेज है। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखें कि बोर्ड मेंबर्स भी जानते हैं कि आप नर्वसनेस और होपलेसनेस सिचुएशन में हैं और आप प्रेशराइज्ड हैं और आप स्ट्रेस्ड हैं और हो सकता है कि आप कई रातों से सोए भी ना हो, बट इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं कि आप इस स्ट्रेस्ड और प्रेशराइज्ड सिचुएशन को कैसे स्मार्टली हैंडल कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन इन डिटेल्स। नंबर 1, बी ट्रूथफुल, डोंट लाई एंड नो योरसेल्फ। सच बोलें, झूठ नहीं बोलना और अपने आप को पहचानो, यह इंटरव्यू के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। गलत जानकारी के साथ उत्तर ना दें, हाईली पॉसिबिलिटी है कि उन्हें पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं एंड दे विल कैच यू। वी आर नॉट अवेयर अवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर पर्सनैलिटी, सम ऑफ इवन हिडन और अननोन। हम सबके साथ प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत सी बातें जानते हैं लेकिन हम खुद को पूरी तरीके से नहीं जानते। सेल्फ असेसमेंट जरूर करें बिफोर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। यदि आपके कैरेक्टर का कोई गुण OLQ से मैच नहीं करता है तो उस पर काम करें, उस वीकनेस को दूर करें। UPSC इंटरव्यूइंग बोर्ड को इम्प्रेस करने के लिए झूठ ना बोलें। अपने DFA में कभी भी फॉल्स डिटेल मेंशन ना करें, मोस्टली दे विल कैच यू। एंड रिमेम्बर, यू आर द पर्सन हु विल प्रेजेंट योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो प्लीज इंश्योर टू बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। नंबर 2, गो थ्रू योर DFA इन डिटेल। अपने DFA का इन डेप्थ से स्टडी करना। UPSC इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू इन योर DFA और DFA की कॉपी बोर्ड के प्रत्येक बोर्ड मेंबर के साथ शेयर की जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल क्वेश्चंस पर ध्यान दें। अपने DFA को कई बार रिवाइज करें और स्पेशली लाइक हॉबीज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड सर्विस प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा जैसे क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करें। आपके नाम के अर्थ से लेकर आपके होम टाउन की फेमस एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करें। वह सब कुछ जाने जो आपने मेंशन किया है इंटरव्यू के दौरान DFA में पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्म को कई बार पढ़ें। जो कुछ भी पूछा जा सकता है उसे लिख लें और उसमें से एवरी पॉसिबल क्वेश्चन का शॉर्ट एंड एग्जैक्ट आंसर प्रिपेयर करें। नंबर 3, ड्रेस स्मार्टली, सस्टेन ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। स्मार्ट तरीके से कपड़े पहने और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें। द फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, पहला इंप्रेशन रखता है, इसलिए इंश्योर टू वियर ए गुड एप्रोप्रिएट ड्रेस और आपने जो पहना है उसमें कंफर्टेबल रहें और दिखें। फॉर मेल कैंडिडेट्स, लाइट कलर शर्ट एंड डार्क कलर पैंट फॉर प्रोफेशनल अपीयरेंस के लिए रिकमेंड की जाती है एंड लेडीज के लिए एक चूड़ीदार या साड़ी रिकमेंड की जाती है। ऑलवेज रिमेम्बर, योर फिजिकल बॉडी लैंग्वेज शुड ऑलवेज कनेक्ट टू योर आंसर्स और कन्वर्सेशंस। इशारे करने से बचें और कोई भी आंसर इशारे में ना दें। इंटरव्यू के दिन आप प्रेजेंटेबल दिखें। नंबर 4, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले लोगों को हर कोई पसंद करता है। यदि आप अपने बिलीव्स, आंसर्स और सॉल्यूशंस के बारे में कॉन्फिडेंट हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंट से शेयर करें। बट रिमेम्बर दैट द लाइन बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस इज वेरी नैरो, सो बी वेरी केयरफुल कि आप एक्सेस ना कर दें। इंटरव्यू के बारे में कई मिथ्स और रूमर्स हैं। आपको पिछले इंटरव्यू से भी बुरे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आपकी नेगेटिव थॉट्स आपकी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। उन मामलों के बारे में चिंता ना करें। डोंट वरी अबाउट मैटर्स, पोजीशन, क्वेश्चंस एक्सेट्रा, बिकॉज दीज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल्स एंड होप फॉर द बेस्ट। नंबर 5, डिस्कवर टू गिव बैलेंस्ड आंसर्स एंड यूज कॉमन सेंस। संतुलित उत्तर देना और सामान्य ज्ञान का उपयोग करना सीखें। आपके विचार बैलेंस्ड और अनबायस्ड होने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई स्टैंड लेना नहीं चाहिए। आइडियली आपको किसी भी पॉलिटिकल या सोशल बायसनेस से फ्री होना चाहिए। एक बार जब आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर कोई स्टैंड लें तो उसके लिए अपने जस्टिफिकेशन के
साथ तैयार रहें। एप्रोप्रिएट स्टैंड के बिना प्रॉपर जनरलाइजेशन ना करें। कभी कभी यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिनका उत्तर केवल कॉमन सेंस का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू के दिन का स्ट्रेस आपकी सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। सो ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल टू गिव द राइट एंड एप्रोप्रिएट आंसर्स। द इंटरव्यू पैनल इज मोर इंटरेस्टेड इन हाउ यू आर स्पीकिंग एंड योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू पुट across your thoughts. Hence, try to be articulate while answering the questions. Panel इस बात से बहुत interested रहते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं। Number 6, improve your communication skills and get straight to the point. अपने communication skills में सुधार करें और सीधे मुद्दे पर आएं। UPSC interview के लिए भाषा पर अपनी पकड़ सुधारें। New channels पर debates को detail में देखना और discussion करना communication skills को बेहतर बनाने के लिए एक easy और common तरीका है। इसके अलावा यूपीएससी इंटरव्यू के लिए अपने दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करें। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की कला में महारत हासिल करें। लॉन्ग आंसर्स को शॉर्ट में दिलचस्प बयानों में देने की कोशिश करें। नंबर 7, डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अखबार पढ़ना बंद ना करें। यूपीएससी एग्जाम्स फिनिश होने के बाद कैंडिडेट अक्सर समाचार पत्र पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम की तरह ही इंटरव्यू के लिए भी वर्तमान घटनाओं की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एक वर्ष की इम्पोर्टेंट और प्रमुख घटनाओं के बारे में एक सामान्य विचार रखें। इसके अलावा इंटरव्यू वाले दिन अखबारों की सुर्खियां और आर्टिकल्स से भी अवेयर रहें। नंबर 8, प्रिपेयर वेल ऑन योर हॉबीज एंड रीजन लाइक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अपनी हॉबीज और रीजन के अनुसार अच्छी तैयारी करें। कई बार लाइट मोमेंट में बोर्ड अक्सर यह पहला सवाल करता है जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करें, इसलिए आप इंश्योर करें कि आपकी शुरुआत अच्छी हो। घिसे पिटे आंसर ना दें। हॉबीज इंटरव्यूअर्स को कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को समझने में मदद करती है, इसलिए किसी और के कहने पर या दूसरे कैंडिडेट की हॉबीज कॉपी करके गलत मेंशन नहीं करना। बी ऑनेस्ट इन दिस एज दे विल ऑलवेज कीप आईज ऑन यू ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। यूपीएससी इंटरव्यू से पहले लास्ट वीक तक अपनी हॉबीज का अभ्यास करते रहें। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपने जन्म स्थान के बारे में डिटेल कलेक्ट करें। जानिए अपने गाँव और शहर की समस्याएं और समाधान भी रेडी रखें। नंबर 9, स्टे काम एंड डू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड By rumors. शांत रहें और अफवाहों से प्रभावित ना हो। Questions and answers detailed areas में हो सकते हैं। आपको कभी कभी कई questions के उत्तर नहीं पता होंगे। यदि आपसे पूछे गए किसी विषय के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो politely accept करें कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। घबराएं नहीं, शांत रहें और उनको बोलें कि सर आफ्टर इंटरव्यू मैं इस क्वेश्चन का आंसर पता करूंगा फॉर माई नॉलेज एंड फॉर माई बेटरमेंट। फ्रेंड्स, रिमेम्बर योर इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स। यूपीएससी बोर्ड इन सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानता है। कई यूपीएससी कैंडिडेट्स को अफवाहों से परेशान देखा गया है कि कुछ बोर्ड अंक सत्य रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लिबरल माना जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन वो सबके लिए है, इसलिए परेशान ना हो। बोर्ड मेंबर्स अवार्ड हाई एंड लो मार्क्स डिपेंडिंग ऑन योर करंट डे परफॉर्मेंस। सो डोंट गेट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्ग रूमर्स, जस्ट फोकस टू गिव योर बेस्ट। नंबर 10, टेक मॉक इंटरव्यूज एंड अंडरस्टैंड थ्रू इंटरव्यू क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट लें और रियल क्वेश्चंस को समझें। रिहर्सल्स कॉमन मिस्टेक्स से बचने में मदद करता है। मॉक इंटरव्यूज टेस्ट आपको सिचुएशन के लिए कंफर्टेबल बनाते हैं। स्पेशली गुड टीचर्स और फ्रेंड्स आपकी ताकत और कमजोरी का पता लगा सकते हैं और आवश्यक सुझाव दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू से मदद मिलती है। वे आपकी निरंतरता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय से पैदा हुए भ्रम के कारण आपका जेन्युइन पर्सनैलिटी लॉस ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स आज मैंने आपको बताए हैं, आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें एंड रिमेम्बर बी जेन्युइन एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर्स ड्यूरिंग interview, right? So all the best for your future interviews. If you have any questions, please comment. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching. Jai Hind.